शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत अज्ञात आरोपियों द्वारा गाड़ियों की तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की खोज में जुटी हुई है। शहर के पाचपौली पुलिस थाना हद में रविवार की रात अज्ञात लोगों द्वारा गाड़ियों की तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जिसमें कई लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ है। परिसर के युवक ने बताया कि 40 से 50 लोग हथियार लेकर गाड़ियां फोड़ रहे थे। उनको नामी बाहर निकालो तो तिथल्या मध्य कई लोग 40-50 लोग तलवारी भाले घेन गाड़िया फोड़ी तिथुन ये होते गाड़ा पोलिसांनी आणि त्यांनी घरावर भी वार केला। घरावर वार करताना त्यांनी आठो फोडला आणि माझ्या भावाला बसून होता तर त्याला शस्त्रांनी वार केला तर तो आपली जान वाचून त्यांनी आपला घरी पळाला। तिथल्यामध्ये मग आम्ही पोलिसांना फोन केलं, ते पोलीस एमसांनी त्या लोकांना म्हणजे भगाले होते तर पोलीसवाल्यांनी त्यांच्यावर पकडून त्यांनी कारवाई केलेली आहे। तर तरी मी सर्वांना हे अपील करतो पोलीसवाल्यांना की जल्द से जल्द त्यांना पकडा, तर कडीत कडी त्यांनी सजा द्या। आमच्या वस्तीसाठी थोडंसं पोलीस स्टेशन म्हणजे काही लोकांना पोलिसांना इथं बसवलं पाहिजे, कारण की ते लोक कधी भी आमच्यावर वार करू शकतात। बस हे परिसर के कई लोगों ने गाड़ियों को फोड़ रहे समूह को देखा, लेकिन सभी अपनी जान बचाने के लिए घर में छिप गए, क्योंकि 40 से 50 लोग हाथों में तलवार हथौड़ी जैसे हथियार लेकर परिसर की गाड़ियों को फोड़ रहे थे। आम्ही वरतच होतो, आम्ही जेवण करून बसलो होतो, आम्हाला बासेची आवाज आली। बासेची आवाज आली तर हे घर मालकीन किरायवाली म्हणते बासेची, मी म्हटलं लग्न आहे म्हटलं तर बांधून करत असं असं म्हटलं मी ना, तर हे बाहेर निघाले, हिच्या मागं माझा मुलगा निघाला, नाच्या मागं मी निघाले, ते बासे नवजा न तोडला सगळं घेऊन निघाले। तरी 30-40 अवतार अवजार होता, मोठी मोठी गुप्त्या नाही हथोडी म्हणते ते न बासे होते। तर मेरे तो ऐसे 3-4 पूल पहले लगे 2-3 पोटले ऐसे गाड़ी गिराते हुए आए और ड्राम भी देखे हुआ था हमने, देखे हमारे कुछ ऐसा लगा कुछ हुआ होगा घर का, तो हमारे को मालूम नहीं, तो जाए यहाँ से 40-50 पोते लटे उठे लेके निकले। एक नहीं ऐसे औजार भी मारा है, औजार भी मारने के बाद इधर गए पूरे पोते नहीं आते, फिर क्या हुआ क्या मालूम, इतना हमारे को मालूम नहीं। वहाँ से फड़बड़ आवाज है हमारे को, वहाँ से रिटर्न इतना स्पीड में दौड़ के आए, पूरी गाड़ी ऐसी ऐसी गिराई है कि वीडियो है गाड़ी की, हमारे साथ कितनी गिरा है, नहीं 40 समझ लो 30 तो गाड़ी पक्की गिरी है हमारे सामने, धड़ गया। यहाँ से हमने गाली उपचार भी करे, ऊपर गए थे हम तो ऊपर से देखे, यहाँ से हमने दौड़े भी हम वहाँ पे, तो उसके में फरार हो गए वो लोग पुट्टे, तो हम पूरे पुट्टे हम देखे ये कूलर यहाँ पे सामान मारे इन लोग ने, पूरा ये कूलर भी नहीं गिर रहा था, कूलर को जबरदस्ती 3 पुट्टे ने हाथ लगा के गिराए, इसमें 2 को हम पहचानते हैं और हम इनका नाम तो ले रहे नहीं, अभी जब सामने आएंगे। 50 लोक आले होते इथे, गाडी फोडत कूलर गिलर सर्व फोड फाड केला त्या लोकांनी, दुकानात दगड मारले, हे इथे तलवारी मारला, इथे दुकानाने तलवार मारला, सर्व दुकान फोडफाड केलं त्यांनी, आमच्या गेटला हथियारों से लैस बदमाशों ने परिसर में खड़े ऑटो कांच फोड़ दिए तो दुपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद बदमाश वहां से भाग गए। इस घटना के बाद परिसर में हड़कंप मचा रहा, लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।